तो हाँ जी, राम राम, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। आई होप मेरे छोटे बड़े भाई सभी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने चैनल और एक नई वीडियो में। तो मेरे बहुत से भाई बोल रहे थे, भाई 5-7 दिन हो गए, वीडियो क्यों नहीं आ रही, वीडियो नहीं आने का रीजन क्या है। तो भाई वो रीजन था अपनी तबीयत, क्योंकि काफी टाइम से ऑलमोस्ट 6-7 महीने से कुछ खाया नहीं था, बिल्कुल बॉयल फूड पे था। और देन उसके बाद एकदम घर आते ही छोले भटूरे, बटर चिकन, रोटी सब कुछ खाई, पेट में हो गया बहुत ही ज्यादा गंदा इन्फेक्शन। इतना गंदा हुआ कि 2 से 3 दिन बाद चैंपियनशिप के मेरा वेट था 118 किलो, और कल रात मैंने वेट चेक कराया, वेट है अपना 111 किलो। फाइनली आज थोड़ी तबीयत ठीक लग रही है, हालांकि अब भी थोड़ा सा फीवर है, और बोलने पे आप लोगों को कोल्ड पता ही चल रही होगी कि कोल्ड भी है। खैर कोई नहीं, तबीयत ठीक हो जाएगी। तो आज से एक चीज मैंने प्लान करी है, सोचा आप लोगों से डिस्कस करूं। अगर आप लोग ये वाली सीरीज मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। मैं सोच रहा हूं भी जो अपनी नेक्स्ट चैंपियनशिप है, क्योंकि आप लोगों को पता है कीड़ा है उसे थोड़ा शांत होगा नहीं, वो भी जल्दी से 8-10 साल और, तो अगली चैंपियनशिप है मेरी जो मैंने प्लान कर ली है, और वो इंडिया में ही है, इंडिया में ही खेलेंगे उसे। तो मसला कुछ ऐसा है, कोल्ड इतना हो रहा है कि बोला भी नहीं जा रहा। तो भाई मतलब जो चीज सोची है वो यही कि पहले मैं सोच रहा हूँ 45 डेज का करते हैं गेन, देन उसके बाद करते हैं 72-90 डेज का कट। तो जो भी रिजल्ट आएगा वो काफी ज्यादा अच्छा आएगा, बट उस चीज का एक प्रॉमिस आज खुद से कराया कि बाहर का कुछ भी नहीं खाना भाई, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं खाना, ताकि काटने में थोड़ी इजी हो, कटिंग करने में थोड़ी इजी हो, और थोड़ा बहुत 19-20 चलेगा, बट मीठा बिल्कुल अवॉइड करेंगे। तो बताना आप लोग कमेंट करके अगर ये वाली जो सीरीज है ये चलाएं या ना चलाएं। हफ्ते की 1 से 2 वीडियो डालेंगे इसमें, बाकी अभी 12 बज गए, सो के उठाऊं, हाथ के लिए डॉक्टर के पास भी जाना है। देखो कितनी दवाइयां दे रखी हैं भाई, एक और एक ये दो। डॉक्टर बैठेगा 2 बजे तक घर से, मतलब दोनों जगह से इलाज चल रहा है, डॉक्टर से भी और जो देसी पहलवान है उनसे भी। तो पहले एक्सरसाइज कर लेते हैं जल्दी, क्योंकि अपर कर लेंगे फिर हाथ पे पट्टी बांध देंगे, तो 2 से 3 दिन पट्टी बंधी रहेगी। तो आज ये करके अपना चेस्ट और अपर पार्ट, देन जब हाथ पे पट्टी बन जाएगी उसके बाद करेंगे लेग्स। तो चलो चलते हैं जल्दी से जिम। ये देखो भाई 12 बजे तो हम जिम जा रहे हैं, पर मौसम बहुत ही बढ़िया। सो भाई आ चुके हैं अपना जिम और करेंगे अपनी चेस्ट, जैसा कि आप सभी को बताया। तो इसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रॉल है, इलेक्ट्रॉल के साथ जैसा कि आप लोग काफी टाइम से देख रहे हो, मैंने अपनी पूरी प्रेप पे और अब टाइम है थोड़ा सा गेनिंग का, तो यूज करेंगे अपने डॉक्टर चॉइस का क्रिएटिन, और अब देखूंगा कितनी लास्ट मेरी लिफ्ट जाती है, थोड़ा हाथ ठीक होते ही कितनी बेंच प्रेस जाती है। इस क्रिएटिन की जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है वो ये है कि भाई ये फ्लेवर में आता है, कम से कम 5 से 6 फ्लेवर है। तो मेरा तो फेवरेट है भाई ये अपना आइसलैंड मैंगो। तो मेरे जिस भी भाई को अपनी स्ट्रेंथ बनानी है, अच्छा वर्कआउट करना, अच्छा वेट गेन करना, तो एक बार इसे जरूर ट्राई करो। नीचे इसका लिंक है, यहाँ से जाके आप इसे बाय कर सकते हो। मेरा कूपन कोड DC307 जरूर डालो। तो चलो करते हैं अभी चेस्ट की ट्रेनिंग स्टार्ट। तो चलिए जी भाइयों, फाइनली बहुत ही अच्छा वर्कआउट सेशन रहा अपना, 8 से 10 दिन बाद अच्छा सा फील हो रहा है, कुछ की चेस्ट और आर्म्स अच्छे से ट्रेन हो गए। बाकी एक चीज अपने भाइयों से कहना चाहूंगा, अभी जिम में एक भाई ने क्वेश्चन करा कि भाई आपको देख रहे हैं और बॉडी नहीं बन रही, रिजल्ट नहीं आ रहा, तो उन भाइयों से ये कहना चाहता हूँ जो भी मेरा भाई वीडियो देख रहा है, भाई किसी को देख के ट्राई मत करो, क्योंकि
आप खाली कैमरे में वो चीज देख रहे हो जो आपके इन्फ्लुएंसर आपको दिखाना चाह रहे हैं, पीछे का किसी को नहीं पता कि क्या चल रहा है कैसे हो रहा है। तो मेरा जो भी भाई ट्रेनिंग कर रहा है किसी अच्छे गुरु के अंडर करे, और जिसे थोड़ी बहुत नॉलेज हो उसके अंडर करे, देखा देख मत करो। आपका काम है मेहनत करना, मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा, ये मेरी आपसे गारंटी वाली बात है। अगर किसी को देखा देख आप लोग ट्रेनिंग करोगे तो उसी के उसमें फंस के रह जाओगे बस, क्योंकि वो कैमरे वाली चीज़ें आपको दिखा रहा है, जो बैक है वो नहीं दिखा रहा। तो अब निकल चुका हूँ मैं, ऑलमोस्ट पूरे 2 बज रहे हैं, जा रहे अपने हाथ का इलाज कराने। थोड़ा सा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि 30% तो रिकवर हो चुका है, अगर 70 भी रिकवर हो जाएगा तो दिसंबर से पहले, और दिसंबर में शायद एक चैंपियनशिप है उसमें भी भाग ले लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो चलो चलते हैं, और ये रही अपनी मील। वेज है भाई, वेज खाएंगे अब, एक दो दिन वेज के मजे लेंगे, बहुत खा लिया नॉन वेज। चलो भाई, हेल्दी मील हो और ऐसा ट्रैफिक हो, दोनों में ही प्रॉब्लम। तो अगेन वही टाइम हो गया, 5 बज गए, पट्टी अपनी होगी हाथ पे, बट एक प्रॉब्लम होगी कि पट्टी थोड़ी ऊपर कर दी, चोट एल्बो में लगी पड़ी है और पट्टी आर्म से बंध गई। तो घर जाके दोबारा से ठीक करूंगा इसे खोल के, और ये एक ले लिया, गर्म पट्टी भी ले ली और एक मील और ले ली, और साथ में वर्जिन मोहितो। तो चल रहे हैं अभी, दर्द में थोड़ा सा तो आराम है, 70% मतलब 30% आराम है अभी, जो भी अपने हाथ में इंजरी है। और मैं एक चीज़ और ट्राई कर रहा हूँ, अगर हाथ इस हफ्ते में लिफ्ट करने लायक हो जाता है, मतलब एक्सरसाइज अगर मैं कर पाता हूँ, बेंच प्रेस होगी और बारबेल प्रेस होगी, अगर ये एक्सरसाइज मैं कर पाता हूँ तो क्या पता दिसंबर से पहले भी कोई शो प्लान कर लें। तो मेन अभी यही है कि रेस्ट करना है पूरा, अभी हाथ पे 7 से 8 दिन हो गए, कोई लोड में दे नहीं रहा कि जिससे इस पे कोई प्रेशर पड़े और अगेन मसल डिस्टर्ब हो। तो बस अभी रेस्ट करेंगे, चल रहे हैं घर, चल के करते हैं थोड़ा सा रेस्ट, देन शाम को देखूंगा कि कार्डियो करूं या क्या करूं, जो भी होगा आपको बता दें। चलो चलते हैं। ये देखो भैया, खाना खोलते हुए देर नहीं होती, और ये सबसे पहले रेडी। ले तो भाई, हमारी ये वाली जिम है जो हमारी फ्रेंचाइज है सेकंड फिटनेस क्लब की, बहुत सक्सेस हो चुकी है, इसको 1 साल हो चुका है। आप सब थैंक्स टू लॉर्ड, आप सबके प्यार से भाई ऐसे अपना प्यार बनाए रखते हैं, बहुत ही अच्छा एटमोसफेयर है हमारे जिम का, और इसे मेंटेन करते हैं। तो थैंक्स टू भाई, टाइगर भाई, थैंक यू। तो भाई वो अपनी मील लेके मैं तो घर जाके बिल्कुल अपना रेस्ट कर रहा था, देन एकदम कॉल आया कि भाई जिम को 1 साल हो चुका है, हमारी जिम की एनिवर्सरी है। तो सुबह तक याद था, एकदम शाम को एकदम स्किप हो गया, तो टाइगर भाई भी आए हुए थे तो पता ही नहीं चली, अगेन वही समय, 1 साल कब बीत गया, ऐसे लगा 4-5 महीने तो हुए जिम को खुले। और मेरे बहुत से भाई मेरी जिम के बारे में पूछ रहे हैं कि भाई आपकी जिम शिफ्ट हो रही है, कब तक खुल जाएगी। होपफुली 5 सितंबर तक अपनी जिम ओपन हो जाए, और मैं सबको बढ़िया सा एक नोटिस दूंगा, और अच्छा सा एक मीटअप भी रखेंगे जिसमें बहुत अच्छे अच्छे आपके मन पसंदीदार जिन्हें आप पसंद करते हो उन लोगों को इन्वाइट भी करेंगे। बाकी अब चल रहे हैं घर, ये थोड़ी सी शॉपिंग कर ली, फ्रूट्स वगैरह लिए हैं अपनी डाइट के लिए, जैसा कि आपको वीडियो में स्टार्टिंग में बोला था कि ट्राई करूंगा कि डाइट बिल्कुल भी चीट ना करें और ऑन पॉइंट रहे सारा सब कुछ, क्योंकि कट करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। और बाकी 2-3 इवेंट्स हैं इस बार शो के बाद लिए, थोड़ा मैंने कहा थोड़ा आना जाना शुरू करता हूँ, भाइयों से मिलना शुरू करता हूँ, तो जल्दी आपको लोकेशन बताऊँगा, आपके शहर आएंगे, आप लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे। तो
मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी आओगे और मिलोगे, बातें करोगे। तो चल रहे हैं हम अपना घर, करेंगे रेस्ट। यही था अपना आज का पूरा दिन, क्योंकि अभी कंपटीशन के बाद 10 से 15 दिन ना बिल्कुल खाने के बाद नींद का नशा रहता है, तो वो चढ़ा पड़ा है अभी। तो ठीक है जी, तो यही था अपना आज का दिन। आई होप कुछ ना कुछ आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा होगा। अच्छी लगे लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब, आपका अपना चैनल है। 5 लाख से बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही कम दूर है, तो खुश रहें, खाते पीते रहें, मौज में रहें। लव यू आप सभी।